वेलकम टू सीजी मोशंस। अब हम सीखेंगे पैर का सेटअप लगाना। तो सबसे पहले हमको ये ध्यान रखना है कि हमको ये बोन सेटअप है यहाँ पे सिस्टम के अंदर, यहाँ पे जाना है और यहाँ पे एक बोन क्रिएट करनी है। चलिए क्रिएट करते हैं। देन इसके बाद हमको इसको सेलेक्ट करना है, मॉडिफायर के अंदर जाना है। यहाँ पे प्रॉपर्टी है बोन की, यहाँ पे अगर नेस कम है तो इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ से इसके ऑब्जेक्ट में कम ज़्यादा आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। यह मेरी एंड बोन है तो मैं एनिमेशन बोन टूल्स के अंदर जाऊंगा, यहाँ पे डिलीट करके इसकी एंड बोन मैं क्रिएट एंड बोन कर लूँगा। ठीक है, यहाँ पे इसकी जो भी थिकनेस और जो भी चीज़ें हैं उस हिसाब से मैनेज हो जाएंगे। तो मैं ये करता हूँ फिलहाल के लिए, मैं अभी यहाँ पर जाता हूँ बोन टूल के अंदर और मैं इसको डिलीट करता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे इसकी जो बोन थोड़ा सा स्केल करूँगा हल्का सा। ठीक है, पैर के सेटअप के लिए, और इसके बाद इसको ऑफ कर दो। यहाँ पे जो भी तुम्हारी बोन सेटअप है, अब मेरे को क्या चाहिए, एंड बोन चाहिए तो मैंने एंड बोन दे दी, उसको ऑफ करना चाहते हो ऑफ कर दो। या फिर थोड़ी सी और देखने से बढ़ा सकते हो तो थोड़ी सी और बढ़ा देंगे। यहाँ पे जस्ट जाना है, यहाँ पर 1.5 1.5 कर सकते हो, 1.5 कर दो, थोड़ा कम ज़्यादा भी कर सकते हो, कोई से दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो ये मेरा एंड बोन है, सेलेक्ट करना है हमको। F3 प्रेस करोगे तो ये ट्रांसपेरेंसी हट जाएगी। जस्ट एनिमेशन IK एजाइल सॉल्वर, और मैं इसे क्लिक कर दिया। अभी देखो ये बोन के बाद जो IK है ना वो छोटा दिख रहा है, तो यहाँ पे मेरा मोशन के अंदर हम जस्ट नीचे जाएंगे तो यहाँ पे इसकी प्रॉपर्टीज़ आती है। ठीक है, यहाँ पे डिस्प्ले होता है, IK डिस्प्ले ऑप्शंस, तो यहाँ पे गोल डिस्प्ले का ऑप्शन रहता है, इससे तुम इसकी इसकी विजिबिलिटी बढ़ा सकते हो थोड़ा और ज़्यादा। इस चीज़ के ऊपर सेलेक्ट एनिमेशन चाहे सॉल्वर, सेलेक्ट एनिमेशन चाहे सॉल्वर, हमको 3 IK लगाना है। 3 IK के बाद हम उसको जाना है यहाँ पे, कोई भी कंट्रोलर क्रिएट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे एक सर्कल मैंने क्रिएट कर दिया और इसको अलाइन करना है IK से, शिफ्ट प्रेस करो, यहाँ पे तुम्हारा IK आ जाएगा। ठीक है, अब इसकी जो थिकनेस है वो थोड़ी सी बढ़ा देते हैं हम, नहीं नहीं बढ़ानी, थोड़ी थिकनेस बढ़ानी है। ठीक है, जैसे इसकी कॉपी ले लेनी है और इसको भी अलाइन कर देना है इसी के साथ, ऑल्ट ए अलाइन। क्या है कि कंट्रोलर तुम छोटे भी कर सकते हो। ठीक, इसकी कॉपी ले ली और इसको भी अलाइन कर दिया। जब भी हमको अलाइन करना है IK से करना है, ये ध्यान रखना है हमको, IK से करना है। ठीक है, मैं इसी की एक कॉपी और ले लेता हूँ। ठीक है, और ओके कर देता हूँ। अब मैं क्या करूँगा, इस कंट्रोलर को सेलेक्ट करूँगा, ठीक है, राइट क्लिक करूँगा ऑल्ट के साथ और फ्रीज। ठीक है, इस कंट्रोलर को मैंने फ्रीज कर दिया। अब हमको इसमें लिंकिंग करनी है, लिंकिंग सिंपल इस IK को सेलेक्ट करना है, यहाँ पे लिंक के ऑप्शन पे जाना है। ठीक, इसके आउटर पे क्लिक कर देना है कंट्रोलर से, ये लिंक हो गया इसके साथ। ठीक है, अब सेम जो इसका IK है, ठीक है, ये जो IK है इसको सेलेक्ट करना है, IK इसको भी आउटर के साथ लिंक कर देना है, आउटर कंट्रोलर के साथ। ठीक है, सेम फिर हमको जाना है यहाँ IK पे, इस IK को इनर कंट्रोलर के साथ लिंक कर देना है। ठीक है, इसके बाद जस्ट इन दोनों कंट्रोलर को सेलेक्ट करो। ठीक है, ये चाइल्ड और ये जो पेरेंट हो जाएगा इधर। ठीक है, इसके बाद हमको क्या करना होगा, जस्ट क्या करना है, सेलेक्ट करना है। इसके बाद
ये जाएगा हमारा इससे आई के हो जाएगा, इससे लिंक हो जाएगा, ठीक है, कंट्रोलर से लिंक हो जाएगा सॉरी, ठीक है। ये मेरा रिग कंप्लीट हो गया। अब हमको क्या करना होगा, मेन एक टॉप व्यू पे जाना होगा, एक रेक्टेंगल क्रिएट करना होगा जिससे हम पूरी लेग को कंट्रोल कर सकें। तो यहाँ पे एक रेक्टेंगल क्रिएट कर दिया मैंने, ठीक है, और यहाँ पे इसको अलाइन कर दो इससे, इसके साथ सेंटर सेंटर, ठीक है, ओके। इसके साथ आईके क्या बन गया है, तो इस आईके के साथ करना है, ये ध्यान रखना होगा, ठीक है। इस आईके के साथ करोगे तो एग्जैक्ट वो मेजरमेंट में आएगा, जैसे इसको नीचे के साथ करो, और इसको ना हल्का सा बैक और फ्रीज, ठीक है, ये फ्रीज हो गया। अब इसका जो पाइवेट है वो चेंज कर देना है, ठीक। पाइवेट चेंज करने के बाद हमको क्या करना होगा, इससे साथ इसको लिंक कर देना है, सिंपल सा इसको लिंक कर देना। अब क्या होगा, ये इस पूरे पैर को हैंडल कर लेगा, ठीक है। अब चलते हैं फ्रंट व्यू, ठीक है। फ्रंट व्यू पे हमको नी का कंट्रोल लगाने के लिए एक सर्कल ले सकते हैं, अलाइन कर दो इसको, ठीक है, ओके करो, थोड़ा सा आगे रखो इसको, क्या कर दो, फ्रीज कर दो, इसको सेलेक्ट करो, सबसे पहले इसको सेलेक्ट करके रखो, ठीक है, इसको आईके को, सर आईके को सेलेक्ट करके रखो। उसके बाद हमको जाना है मशीन के अंदर, यहाँ जस्ट इसके आईके का ऑप्शन आता है ना, वहीं पे यहाँ पे देखो आईके सॉल्वर प्रॉपर्टीज लिखी हुई है, यहाँ पे आईके सॉल्वर एंगल है, यहाँ पे पिक टारगेट है, पिक टारगेट में नन नन पे क्लिक करो, इस कंट्रोल पे क्लिक कर दो। अब क्या होगा, ये इसके साथ कंट्रोलिंग में आ जाएगा, ठीक है। और ये मेरा पैर का रिग कंप्लीट हो गया, ये बेस और बहुत ही अच्छा रहेगा, इससे आप आराम से मैनुअली एनिमेशन फटाफट कर सकते हैं। फॉर वॉचिंग।